जय दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ स्थित श्री महालक्ष्मी वाटिका में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 13 अक्टूबर 2024 को 16 कारण विधान का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ बाहर से पधारे अन्य भक्तों ने भी सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ स्थित श्री महालक्ष्मी वाटिका में 13 अक्टूबर 2024 को 16 कारण विधान का भव्याति भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पुण्य प्रतापी भक्तों ने शुभ क्रियाओं में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा श्री जी को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान कर उनका अभिषेक करने के साथ की गई। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं, संकट सारे हरते हैं, जो प्राणी अभिषेक प्रभु का। जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक के पश्चात पुण्यशाली श्राविकाओं ने प्रभु के प्रति अपने भावों को प्रकट किया। इसी श्रृंखला में समस्त जीव के कल्याण की भावना के साथ ही श्री जी की शांति धारा की गई। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतंत्राय द्वादश गण प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुए अनंत चतुष्टय सहिताय समोश्रवण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय अनंत ज्ञान दर्शन वीरे सुखास्पदाय त्रिलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र भणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं छिन छिंदि भिंदि भिंदि तंत्र तंत्र दृष्टि चलचित्र दोषानाम सर्व अष्टकुलीनाग जनित विषय भयानी सर्व स्थावर जंगम रसिक सर्पादिकर दोषानाम सर्व सिंगाष्ट पदाधिकर दोषानाम पर शत्रुकृत मान उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादिकृत दोषानाम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर्य वीर शांति चंद्र प्रभा वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनीश्वत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अस्याउषा नाथविद्याय नमो अरिहंतानं रोम सर्वशांतिं गुरु गुरु ओम ह्रीं शांतिं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्याउषा नाथविद्याय नमो अरिहंतानं रोम सर्वशांतिं गुरु गुरु संपूजकानां प्रतिभा यतीन्द्र सम्मानित पूदनाना देश से राज से पूर से राजा करो तू शांति भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा के उपरांत ही श्रावकों ने प्रभु को पांडुक शिला से शिरोधार्य कर उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। अगले क्रम में विधान पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं ने श्री जी को अर्घ अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति
बाद श्राविकाओं ने विधान मंडल पर मंगल कलश स्थापित किए तो वहीं संगीतमय वातावरण में नाचते झूमते हुए अर्घ भी अर्पित किए। पारस प्यारा लागो कमलेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो कमलेश्वर प्यारा लागो। स्वाहा के अर्घम 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 स्वाहा सनीतो भवसति सन्नधीकरणम्। कृष्णाय चन्दनम् निर्ववामि ते स्वाहा, कृष्णाय पुष्पम् निर्ववामि ते स्वाहा। लाय रत्नदीप गोसने श्रीन्द्राय क्षदर्गनाशनाय नैवेद्यम् निर्ववामि ते, नक्षत्राय फलम् निर्ववामि ते स्वाहा, निर्ववामि ते स्वाहा। चन्द्राय मणिताय पार्श्वजिनेन्द्राय अर्घम् निर्ववामि ते स्वाहा। जय बोले सोलह कर्ण महामंडल विधान की जय। प्रश्न क्या पांच निकालने ओम दर्शन इत्यादि सोर्स कारणानि यत्र मम सनेतो बाबा वसति सन्नधि करणा। जी हो जय बैठे जो अनाग पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। तदोपरांत ही भक्तों ने मंडल जी पर क्रमवार श्रीफल एवं संपूर्ण अर्घ अर्पित कर प्रभु भक्ति करते हुए हर्ष प्रकट किया। धर्म से नहीं चारे करे भोग जय सुरा इंद्र के परिहरे। एक जीव चाहे अने बोल नहीं पाए स्वाहा। जीव धाति धर्म से गुरु प्रसाद तंदो से दर्शित भावनाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। वट फल जीव रास नहीं कहिए दया धार उर समता लइए। भक्षण दृष्टि भावना अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। पीनी जल को नहीं पीवे करुणा करके समता जीवे। दर्शित भावनाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। चार भावनाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। दिशिन बार से शिन वर्तु चार भावनाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। जय बोले अभिचर गानों को योग भावना की जय। करे Oh,
अर्गम्य रोगाने दी स्वाहा काल दे स्वाहा देवदास गुरु विनय बकार और विनय विधि बोधी जा विनय आंख दे ये विनय कृष्ण जा कति करे ये विधि कहे सोने जजो भाव शुभ मै कृति कर्म सता हरे पश्चात श्रावकों ने श्री जी को शिरोधार कर पालकी पर विराजमान किया और चवर ढुराते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली। धाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। धूम धाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है। धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े रथ बग्गी टोली सजे हुए कैसे सुंदर। जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है। धर्म की मंगल यात्रा है। नारी सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे। जिन वर के पावन जयकारे नव में सारे गूंज रहे। नव में सारे गूंज रहे। पूर्ण शान से निकली है ये धर्म की शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा के यथा स्थान पहुंचने के उपरांत श्रावक द्वारा श्री जी को शिरोधार कर वेदी पर विराजमान किया गया। इसके साथ ही समापन बेला में गणमान्य एवं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जय जिनेंद्र। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज हमीरगढ़ जैसे छोटे गांव में 16 कारण विधान बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ
भगवान जी को मंदिर से यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे लेके आए और बहुत ही भक्तिमय और आनंद पूर्वक विधान संपन्न हुआ। तो आज का ये 16 करण विधान का जो हम लोगों ने आयोजन किया था, पापा जी ने खुद ने अपने आप से इतने सारे उपवास व्रत भी किए थे और उसके बाद में उन्होंने इस आयोजन का मन में ठाना कि मेरे को आयोजन करना है। थोड़े दिनों पहले ही एकदम से उन्होंने प्लान बनाया, हमको भी बताया कि ऐसा ऐसा करना है, तो हम लोगों ने बोला कि आपकी इच्छा है तो कर दो, इसके अंदर हम लोग का तो पूरा पूरा सहयोग रहेगा रहेगा। लेकिन हम तो एक्चुअल में बॉम्बे में रहते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं रहते, तो यहाँ पे व्यवस्था करना सब उनका ही उनको ही करना था। मैं जिनवाणी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी शॉर्ट नोटिस के पर यहाँ पे आके वो प्रोग्राम का कवरेज करने का काम किया। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारी जगह पे से लोग आए, शाहपुरा से थे, मांडलगढ़ से थे, इंदौर से थे, मऊ से थे, ऐसा करके चित्तौड़गढ़ से भी आए हैं, फतेहनगर से भी आए हैं। तो एक एक बार सबको मैं सबको बधाई दूंगा और सबको धन्यवाद दूंगा कि सब लोगों ने आके इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने का काम किया, धन्यवाद। 16 करण जी विधान पहली बार देखने को मिला और बहुत ही अद्भुत इसमें हिस्सा लिया सभी लोगों ने, बाहर से भी काफ़ी लोग आए और सभी ने धर्म की प्रभावना करी। इसके बाद जुलूस वगैरह निकला और सभी लोगों ने इसमें अच्छा सा सहयोग दिया और सभी ने धर्म की प्रभावना करते हुए धर्म की अनुमोदना करी। बड़जाते परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जिनेन्द्र। अमीरगढ़ छोटा सा गाँव है लेकिन फिर भी समाज कम है, समाज नहीं है, न के बराबर है, एक एक दो समाज है और फिर भी आज मतलब ये है कि ये विधान है जो संपन्न हुआ और 16 करण विधान संपन्न हुआ और भगवान पार्श्वनाथ जी के सानिध्य में संपन्न हुआ और सभी लोग भीलवाड़ा, चित्तौड़, इंदौर, बम्बई और साफरा अलग अलग स्थानों से देवली वगैरह से पधारे हैं और पंडित जी लादूलाल जी कोठिया वाले ने उन्हें संपन्न कराया और संगीतकार कमलेश है जो मंजू पाठू जी ने जो संपन्न कराया, उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। दर्शकों अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ स्थित श्री महालक्ष्मी वाटिका में 13 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुए 16 करण विधान के मनोहारी दृश्य, जिसमें दूर दराज से पधारे पुण्यवान भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य का संचय किया। तो दर्शकों अभी के लिए बस इतना ही, पुनः आपसे भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र।